वेरी वॉल वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं एक एनवायरनमेंट फैक्टर के बारे में। अब ये चीज़ है क्या? एक जर्नल पब्लिश हुआ है जिसको बोला जाता है ग्लोबल चेंज बायोलॉजी, और इसने कुछ कंसर्न उजागर किए हैं अकॉर्डिंग टू अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका से रिलेटेड उन्होंने कुछ बात बोली है, वो कुछ इस टाइप का है, जो कुछ इस प्रकार है। इन्होंने ये कहा है कि अंटार्कटिका में ओजोन होल है वो फॉर्म हो चुका है। ये तो हम सब जानते हैं कि अंटार्कटिका में ओजोन होल फॉर्म काफ़ी सालों पहले हो गया है, लेकिन एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था, 197 कंट्रीज ने इसमें एग्री भी किया था। इसे बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 197 कंट्रीज ने ये कमिट किया था, और इन्होंने ये कमिट किया था कि ये अपने देशों से CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोकार्बन, और आपके ODS जिसे हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इनका प्रोडक्शन काफ़ी हद तक स्टॉप करेंगे। इसी के कारण आप ये जानते हैं कुछ ही सालों में हमारा ये जो ओजोन लेयर है वो श्रिंक होना भी चालू हो गया था, और धीरे धीरे ओजोन लेयर वापस फॉर्म हो रहा था। ये जो क्षेत्र था जो बहुत ज़्यादा बड़ा था अंटार्कटिका में, वो काफ़ी हद तक श्रिंक होना भी चालू हो गया था। अब बोला जा रहा था कि 90% जो 197 कंट्रीज में लगभग 90% CFC और आपके ODS या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, जिससे कि ओजोन लेयर रिकवर भी काफ़ी हद तक किया। तो 25 सालों के अंदर ये रिकवरी हो रही थी, लेकिन पिछले 4 साल में एक नया चेंज देखने को मिला है ओजोन लेयर में। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन अब कुछ ज़्यादा देर के लिए रह रही है। कहने का मतलब ये है कि अंटार्कटिका में ये आता था, ओजोन लेयर का जो होल था वो बन जाता था आपका सितंबर से नवंबर के महीने के बीच में। तो सितंबर से नवंबर महीने के बीच ये कुछ ऐसे महीनों का टाइम होता था जिसमें ओजोन जो होल होता था वो वापस अपीयर हो जाया करता था। लेकिन जैसे दिसंबर का टाइम आता था, उसके बाद ये जो ओजोन लेयर है वो वापस अपने को रिपेयर कर लेता था, काफ़ी हद तक इसमें श्रिंकेज आ जाती थी और ये वापस रिकवर कर जाता था। लेकिन अभी पिछले कुछ 4 सालों में ये जो ओजोन होल बना हुआ है ये कुछ ज़्यादा समय के लिए टिक गया है। कहने का मतलब ये है जो ओजोन होल है, अब ये जो पहले आपके सितंबर से नवंबर तक रहा करता था वो अब एक्सटेंड कर गया है टिल दिसंबर तक। तो ये अब टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा समय के लिए ओजोन होल बना हुआ रहता है आपके अंटार्कटिका में, जिसमें कि 29.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो का एरिया है वो एरिया एक्सपोज्ड हो जाता है। और उस एरिया पे सीधा सन से आने वाली UVB रेज, मतलब UV रेडिएशन में एक स्पेसिफिक रेज है जिनको UVB रेज बोलते हैं, उसका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। अब इसमें खतरे वाली बात क्या है? ये तो पहले से ही चल रहा था, तो इसमें खतरे वाली बात है क्या? खतरे वाली बात ये है कि अंटार्कटिका में यही एक टाइम होता है, टिल दिसंबर तक यही एक टाइम होता है जब यहाँ पर स्प्रिंग सीजन आते हैं, और इसे ही कहा जाता है ऑस्ट्रल समर का सीज़न। तो स्प्रिंग सीजन के बाद जो समर सीज़न भी आता है, तो ये ओजोन हेयर जो लेयर है या होल जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है लेयर के डिप्लीट होने के कारण, अब वो ज़्यादा समय तक दिसंबर तक कंटिन्यूशन में रह रही है पिछले 4 सालों से, जिसके कारण ये होगा कि UVB रेस का एक्सपोजर सीधा अंटार्कटिका के सरफेस पे पड़ेगा। और इसके कारण ये होगा कि स्प्रिंग सीजन ये एकमात्र सीज़न होता है जिसमें अंटार्कटिका के प्लांट्स और स्पीशीज ब्रीड करते हैं या प्रजनन करते हैं। इसके कारण खतरा ये हो जाएगा इस UVB रेस का डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से इनके जो लाइफ साइकिल है इस पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा, और इनके लाइफ साइकिल में जब काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा तो हो सकता है इनकी प्रोडक्शन एबिलिटी पर भी ये प्रभाव पड़े, इनकी प्रजनन दर पर भी ये प्रभाव देखा जाए। तो ये खतरे का जो चीज़ है जो यहाँ पर ये दिखाता है कि ज़्यादा समय तक अगर ओजोन होल रहा तो इससे UVB रेज आएंगी और इनका एक्सपोजर सीधा अंटार्कटिका में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल की प्रजातियाँ या उनकी स्पीशीज़ पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग सीजन ही अंटार्कटिका में एक ऐसा सीजन है जिसमें ज़्यादातर प्लांट अंटार्कटिका के प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ ब्रीड करते हैं या प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ देखा जाता है। अंटार्कटिका के जो पर्टिकुलर ओजोन होल है इसको सबसे पहले देखा गया था 1985 के आसपास, या इसको ऑब्जर्व किया गया था।
ये आपको ऑब्जर्व किया था ब्रिटिश एंटार्कटिक जो सर्वे साइंटिस्ट टीम थी उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। और लगभग 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सर्वे के तहत 197 कंट्रीज ने ये एग्री किया था कि वो एक ऐसी ट्रीटी ने इन्होंने डिज़ाइन की थी। इस ट्रीटी के अनुसार 197 कंट्रीज अपने देश से CFC या ODS जैसे सब्सटेंसेस का जो प्रोडक्शन जो ये यूज़ करते उसे काफ़ी हद तक कम कर देगा और 90% इसका डिप्लीशन हुआ भी। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि पिछले 4 सालों से अब ये जो ओजोन लेयर है वो टिल दिसंबर तक रिसाइड कर रहा है। जो प्रॉब्लम अराइज हुई उसके बारे में तो मैं अभी बता ही दिया आपको। लेकिन होगा ये कि अगर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ट्रीटी साइन नहीं हुई रहती तो इसके कारण क्या हुआ होता, आपका ओजोन लेयर जो कम्प्लीटली डिप्लीट हो चुका होता 2050 के आते आते और कम्प्लीटली ये ओजोन लेयर कोलैप्स कर जाता। लेकिन इस ट्रीटी के तहत ये जो है काफ़ी एक्सटेंड हुआ और एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका रिकवरी रेट को देखते हुए ये पका जा रहा है कि 2060 तक, इसे कुछ दशकों का भी वक्त लग सकता है, 2060 के आसपास ये माना जाए कि ओजोन लेयर कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसके एक्सपोजर ज़्यादा टाइम रहने के कारण यहाँ पर जो रहने वाली स्पीशीज़ है, जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ है, तो उनकी लाइफ साइकिल पर यह प्रभाव देखने को मिलता है जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो एक पोटेंशियल थ्रेट है जिसे काफ़ी यहाँ पर जज किया जा रहा है और इसके कारण वहाँ के प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ के नंबर पर भी असर पड़ेगा और ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो 2060 के आसपास तक ये कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेशन या स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि ओजोन लेयर है वापस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पर अब CFC ODS जो आपके सब्सटेंसेस है इनका प्रोडक्शन बहुत काफ़ी हद तक 90% कम कर दिया गया और इसे बहुत अच्छी तरह से 197 कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट भी किया है जिससे कि ओजोन रिकवर कर रहा है। लेकिन जो असली ख़तरा यहाँ पर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी अराइज हो रही हैं और ये चीज़ देखने को मिलती हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।